सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ बेंजो मॉडिफिकेशन। आज हमारे बेंजो में थोड़े छोटे बड़े मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं और हम एलईडी का स्ट्रिप भी लगाने वाले हैं, तो बेंजो की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए सीधा बेंजो की तरफ जाते हैं, आपको दिखा देते हैं कौन से बेंजो पे हम क्या करने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा बेंजो है, इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, एलईडी मॉडिफिकेशन होने वाला है और थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो अभी हम सबसे पहले हमारे बेंजो का बटन पट्टी निकाल लेते हैं ताकि उसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो हमें काम करने में। तो अभी हम ये जो झाले के ब्रिज है वो हम निकाल रहे हैं, तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से हम उसको रीफिट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा तार में तकलीफ हो रहा था बजाने के लिए। हमारे जो झाले के चार तार होते हैं तो उसका जो सेकेंड वाला तार होता है उसका थोड़ा सा झनकार लग रहा था थर्ड तार के ब्रिज को, उसके वजह से जो साउंड आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो ये तो सारा सेटिंग हो गया, अभी हम एलईडी की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला हमारा एलईडी जो रहने वाला है वो हम बेंजो में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी इसका चौक आप देख सकते हो, इनपुट इसका 230 वोल्ट एसी करंट है और आउटपुट 12 वोल्ट है। तो ये जो आउटपुट 12 वोल्ट है उसको हमने एलईडी स्ट्रिप के साथ शोल्डिंग कर दिया है। तो अभी ये एलईडी के पीछे जैसे आपको पता है कि एक थोड़ा स्टिकर टाइप ग्लू टाइप रहता है, तो वो हम बेंजो के साइड में पूरा चिपका लेते हैं। और गाइज ये एलईडी सेटअप पूरा होने के बाद बेंजो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखने वाला है। तो चलिए मैं अभी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो सारा एलईडी स्ट्रिपिंग का काम हम इस वीडियो में अभी कैसे कर रहे हैं वो आपको अभी दिख रहा है। तो अभी हमारा सारा एलईडी स्ट्रिपिंग का काम हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा एलईडी हमने बेंजो के चारों तरफ लगा दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक भी गया है, देख ही सकते हो कि किस तरह से वो चिपकाया गया है। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं चौक के वायरिंग की तरफ। तो इनपुट का जो वायर है हमने उसको एक्सटेंड कर लिया है, बड़ा वाला जो वायर है उसको हमने अटैच कर दिया है इस छोटे वाले वायर को, ताकि हमारा जो वायर है वो एक्सटेंशन बोर्ड या फिर जो वॉल बोर्ड रहता है उस तरफ पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वायर हमने यूज़ किया है और उसको भी हमने एक टू पिन लगा दिया है। और ये जो आउटपुट का आपको वायर दिख रहा है जिसे हमने एलईडी को शोल्डर पहले कर दिया था, तो उसको कट करके हमने फीमेल टू पिन लगाने का सोच लिया है ताकि हमें आसानी हो जाए कनेक्शन के लिए। तो जो हमारा एलईडी के साथ जो वायर है उसे हम फीमेल टू पिन लगाएंगे और जो वायर चौक के थ्रू आएगा उसे मेल टू पिन लगा देंगे, ताकि जब भी लाइट लगानी हो हमें तो हमें सिर्फ टू पिन का इस्तेमाल करके हम आसानी से लाइट को लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने फीमेल टू पिन एलईडी स्ट्रिप को लगा दिया है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि जो आउटपुट है हमारा 12 वोल्ट वाला उसको भी हमने मेल टू पिन लगा दिया है और जो एसी करंट है उसे भी हमने एक टू पिन लगा दिया है जो हमारे मेन बोर्ड में जाएगा। तो ये वाला जो छोटा टू पिन आपको जो दिख रहा है तो ये वाला अटैच हो जाएगा ये वाले पिन के अंदर। तो अभी हमारा सारा एलईडी सेटअप मैक्स टू मैक्स हो चुका है, तो अभी आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह से वो किया गया है। एलईडी स्ट्रिप को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका दिया है, तो ये वाला सेटअप भी अच्छी तरीके से हो चुका है। ये वाला जो पिन है वो हमारा जाएगा बेंजो पे और जो बड़ा वाला वायर है जो हमने रखा है वो जाएगा हमारे एक्सटेंशन बोर्ड। तो अभी हमने ये वायर जो बड़ा वाला है वो एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया है, तो यहाँ से ये वायर आया है चौक के थ्रू जाकर हमने वो वाला पिन जो है वो बेंजो को लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो ये वाला जो वायर है नीचे से जाता है पूरा एक्सटेंशन बोर्ड की तरफ, तो हम बटन अभी लगा देते हैं और देखते हैं बेंजो की खूबसूरती। आहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा अभी बेंजो। और नाइट टाइम में जब भी मैं प्ले करता हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बेंजो प्ले करने में। तो जैसे ही आपको पता है हमारे बेंजो के बटन्स में भी एलईडी लगाए हुए हैं, तो उससे बेंजो बजाने का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वाला बेंजो मॉडिफिकेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो वो भी कर देना। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नया बेंजो मॉडिफिकेशन या फिर बेंजो के रिलेटेड वीडियोस लेकर आते ही रहेंगे।